वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आज आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक काफ़ी शानदार ऐप है जिससे आप किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी आसानी से वीडियो एडिटिंग हो जाती है। और धीरे धीरे आप इसको जैसे जैसे आप इस ऐप का यूज़ करते रहेंगे वैसे आपको इस ऐप में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आप इसमें काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं और किसी तरह के नेट से फ़ोटो अपलोड करके इसमें जाके एडिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और मैं आपको आगे इसी को ऐप खोल के आपको बताऊंगा, जैसे कि स्क्रीनशॉट में भी आपको सारी डिटेल देता हूं। और देखते रहिए मेरा चैनल। दिख रहा होगा आपको, इस पर आपने टिक करना है। जैसे ही आप खुलता है उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर किसी भी तरीके का आप किसी भी जैसे आप यूट्यूब में आप वीडियो के लिए वीडियो चाहिए होता है, आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो चाहिए होता है या फिर आपको स्नैपचैट के लिए वीडियो चाहिए होता है, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं YouTube के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर YouTube का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर YouTube सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऐप का सारा टूल किट वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ पर आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, प्लस का आइकन इसमें क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सीधे गैलरी में पहुँचते हैं। गैलरी में पहुँचने के बाद अपनी किसी तरह की फोटो या वीडियो, मैं आपको फोटो एडिट करके दिखाऊँ किसी तरीके से, जैसे कि बहुत सारी मेरा फोटो पड़ी है काफ़ी अपनी अच्छी फोटो जो अच्छी फोटो होंगी उनको मेरी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करिए। आप चाहें तो इसमें वीडियो भी ले सकते हैं, जितनी चाहे अपनी फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी फोटो में चाहिए फोटो भी मैं ज़्यादा यहाँ पर समय बाद ना करके आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखाना चाहूँगा, इसलिए यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पर 5 फोटो ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो इस तरीके से दिखा देंगे, इसको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से जो सेलेक्ट की गई फोटो हैं वो 1 by 1 यहाँ पर आते रहेंगे। इसको आप इफेक्ट चेंज करने के लिए इसका इफेक्ट यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फिल्टर दिखाई देंगे, आप किसी मेरे का एक फिल्टर इसमें यूज कर सकते हैं या कोई से भी हर फोटो में अलग अलग फोटो फिल्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने करा ये, इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं इसको हमने टिक कर देते हैं। इसके बाद हम सेकंड फोटो लेते हैं, सेकंड फोटो में फिर इफेक्ट में जाकर के इसमें यहाँ पर हम दूसरा इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर डाल दिया हमें दूसरा इफेक्ट, यहाँ पर हम करेंगे टिक। इसके बाद किसी फोटो में जाएंगे, किसी फोटो में फिर टिक यहाँ पर करना चाहेंगे उसको ऐसा जैसे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर किसी भी तरीके का आप किसी भी जैसे आप जैसे कि आप यूट्यूब में आप वीडियो के लिए वीडियो चाहिए होता है, आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो चाहिए होता है या फिर आपको स्नैपचैट के लिए वीडियो चाहिए होता है, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट में जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट में जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऐप का सारा टूल किट वगैरह सभी चीज़ यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, प्लस का आइकन इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपने सीधे गैलरी में पहुँचते हैं। गैलरी में पहुँचने के बाद अपनी किसी भी तरह की फोटो या वीडियो, मैं आपको फोटो एडिट करके दिखाऊंगा किसी तरीके से, जैसे कि इसमें बहुत सारी मेरे फोटो पड़ी हैं काफ़ी, मैं अपनी अच्छी फोटो जो अच्छी फोटो होंगी वो उनको फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करिए। इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी दूसरी फोटो सेलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसमें वीडियो भी कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी फोटो भी चाहती फोटो भी। मैं ज़्यादा यहाँ पर समय बर्बाद ना करके आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखाना चाहूँगा, इसलिए इसको क्लोज करते हैं।
आप फोटो ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो इस तरीके से सिक्वेंस में लिए आ जाएंगे। इसको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह की जो भी सेलेक्ट की गई फोटो हैं वो वन बाई वन यहाँ पर आते रहेंगे। इसको आप इफेक्ट चेंज करने के लिए इसका इफेक्ट यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर आपको फिल्टर दिखाई देंगे। आप किसी भी तरीके का फिल्टर इसमें यूज कर सकते हैं या शुरू से भी हर फोटो में अलग अलग फोटो फिल्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने करा ये, इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं इसको हमने टिक कर देते हैं। इसके बाद हम सेकेंड फोटो लेते हैं। सेकेंड फोटो में फिर इफेक्ट में जा करके इसमें यहाँ पर हम दूसरा इफेक्ट डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर डाल दिया हमने दूसरा इफेक्ट, यहाँ पर हम करेंगे टिक। इसके बाद हम तीसरी फोटो में जाएंगे। तीसरी फोटो में जाएंगे फिर एडिट, यहाँ पर करना चाहेंगे हम इसको थ्री डी में यहाँ पर हम कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर टिक करेंगे, चौथी फोटो में जाएंगे फिर इफेक्ट में जाएंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ से थ्री डी वैसे हम जा करके यहाँ पर उसको सेट करेंगे। ये शायद अप्लाई होगा, ये अप्लाई हो गया, उसको ले लेते हैं यहाँ टिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे लास्ट फोटो में फिर इफेक्ट में जा करके हम यहाँ पर से इसको किसी भी तरीके से भी कोई सा भी कर लीजिए जैसे कि ये रहा, यहाँ पर देख लेते हैं ठीक है। इसके बाद हम इसको एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए इस तरीके यहाँ पर से वन बाई वन प्ले होते रहेंगे। जैसे कि हमने इफेक्ट में बदले थे उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे। इसके आगे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट है, आप इमेज में हर इमेज में किसी भी तरीके का आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर आप टाइप करना चाहें कुछ भी, इसमें से इसको कैंसिल कर दे कुछ भी यहाँ पर टाइप करके आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं। मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करूँगा किसी को। और यहाँ पर अगर आप किसी जगह म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं अपने आपके जो फाइल मैनेजर में ऑडियो अपडेट है उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं स्टोरी के साथ साथ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया हुआ है ऑडियो, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट म्यूज़िक फ्रॉम वीडियोज़ है, इसमें आप क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर से भी आप साउंड इसमें डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से कई सारे नीचे साउंड दिए गए हैं, मैं इसमें से कोई भी एक साउंड आपको पॉज करके इसके प्लस में सेंड करा, ये ऐड हो गया। ये देखिए इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ये इससे यहाँ पर ऑटो सेव होते रहेगा स्टिकर। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए इतने सारे स्टिकर हैं, मैं इसको भी डालना चाहूँगा इसलिए यहाँ कट करना चाहूँगा। एंड जैसे फिल्टर है, फिल्टर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके का। ये हम उसको यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर दिए गए हैं, इसमें फिल्टर साइज हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर हम जैसे कि एक फिल्टर में कोई भी डाउनलोड करेंगे, अभी यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो पा रहा क्योंकि शायद किसी वजह से। चलिए ठीक है, आगे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेप्स हैं, सेप्स में आप यहाँ पर कुछ भी लगा करके इसको और अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी शानदार है, इसके ढेर सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तो मैंने फोटो एडिट करके दिखाया, आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा इसमें किस तरीके से वीडियो एडिट की जा सकती है, किस तरीके से आप अपनी कट पेस्ट करके एक लंबी वीडियो बना सकते हैं।